खान कैसे आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और वीडियो शुरू होने से पहले बहुत बहुत थैंक यू कि आपने गाने को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। जिम का शौकीन गाबरू अरमान जी की वॉइस को बहुत प्यार दिया है और जल्दी उनकी और भी जो ऑडियो है उसमें वीडियो बनने वाली है। तो मैं आपको, जिसने अभी तक नहीं देखा है उसको मैं एक क्लिप डाल रही हूँ, आप देख लेना। और नंबर वन रिकॉर्ड्स पे जाके सबसे ऊपर वाला गाना है जिम, आप उसे जाके देखना। जिम का शौकीन तो पहला कमेंट पढ़ने जा रही है गोलू। पहला कमेंट है पीडी क्रेजी का, चीकू सबसे अच्छा और शरारती है, हैट्स ऑफ चिरायू मलिक। शरारती तो देखो बच्चे होते हैं इस एज में अगर बच्चे शरारती ना हो, ऐसे चुपचाप बैठे तो घर में रौनक नहीं रहेगी, तो बच्चों को थोड़ा बहुत शरारती तो होना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच आपको चीकू, जो है वो अच्छा लगता। नेक्स्ट कमेंट है होशियार शरावत का, पायल दी गोलू दी कथल की सब्जी प्रेगनेंसी में नहीं खाते, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, प्लीज दी मेरा कमेंट भी पढ़ लिया करो, मैं 2 साल की बेटी है वान्या, आप दोनों को बहुत पसंद करती है, चीकू का ब्लॉग डेली देखती है। जी बिल्कुल, मुझे पता है कटहल नहीं खाते, कटहल से है ना एसिडिटी होती है, पता नहीं क्या होता है, कुछ होता है, पर हमने जो है पूरी प्रेगनेंसी में पहली बार कटहल बनाई थी, क्योंकि एक क्रेविंग होती है ना कि काफी टाइम से कटहल खाई नहीं थी, बीच में एक बार बनाई थी शांति ने पर वो अच्छी नहीं बनी थी, इसलिए दोबारा बनाई थी एक क्रेविंग खत्म करने के लिए, बस इसके बाद दोबारा हम कटहल नहीं लाएंगे ना ही खाएंगे। तो नेक्स्ट कमेंट है अमनदीप कौर का, दी मुझे आप बहुत पसंद हो, थोड़ा सा गुस्सा हूँ कि आप मेरा कमेंट रीड नहीं करते, मैं वेट करता हूँ कि आप मेरा कमेंट जरूर रीड करो, और मुझे आपके व्लॉग देखना बहुत पसंद है, अरमान जी बहुत अच्छे हस्बैंड है, चीकू तो बहुत स्वीट है, रब तुहानू सब दी खुश रखें। तो अमनदीप कौर जी, मैं आपके इस कमेंट से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपका नाम अच्छे से याद है, हम आपके कमेंट अक्सर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और ये कमेंट भी आपका पढ़ लिया है क्योंकि आपने लिखा है ऐसा, फिर भी हमने पढ़ लिया है। और आप ध्यान दो, पिछले वाले कमेंट, अगर कमेंट्स वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमने आपके कमेंट पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट कमेंट है ज्योति बेरवारा का, हेलो गॉड ब्लेस यू बोथ, मैंने आप दोनों के लिए एक सपना देखा है कि आपके बेबीज हो गए हैं, गोलू दी को बेबी गर्ल और पायल दी को बेबी बॉय और गर्ल, लॉट्स ऑफ लव अरमान भैया, जल्दी से ठीक हो जाए, ब्लेस फॉर हिम। थैंक यू सो मच ज्योति जी, बिल्कुल अगर आपने जो सपना देखा है ना वो सच हो जाए तो हमें बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में 2 बेटियां आ जाए, मतलब कि भगवान बेटा दे बेटी दे वो उनकी मर्जी है, बट एक ख्वाहिश होती है कि बेटी हो जाए, तो बस यही है। तो नेक्स्ट है कुलजीत कौर का, पायल और गोलू दी मैं आपके व्लॉग देखती हूँ, दिल खुश हो जाता है और बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है हमें लाइफ में, कब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, आई लव अमृतसर। थैंक यू सो मच कुलजीत जी, और मोटिवेशन देखो हर एक चीज से आ सकती है, हम भी किसी से कोई चीज सीखते हैं और वही चीजें फिर हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है, हमारी उम्र होती है, वो सीखने के लिए मतलब कोई उम्र नहीं होती, हम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो अच्छा है अगर आपको भी हमसे कुछ सीखने के लिए मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कमेंट है इनफिनिक्स एचआर का, नाइस वॉइस अरमान भाई की एंड गोलू दी पायल दी, आप दोनों बहुत स्वीट हो, आपकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, गॉड करे आप हमेशा ऐसे ही खुश। जी थैंक यू सो मच, और जैसा कि मैंने वो गाने पे देखे बहुत सारे कमेंट्स कि लोगों को गाना बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी वॉइस अच्छी लग रही है, तो अभी अपनी वॉइस पे और भी ज्यादा काम करेंगे, उन्होंने बोला है कि वो अब रियाज करेंगे गाने के लिए और नई नई चीजें आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो नेक्स्ट कमेंट है छवि बबर का, हाय पायल, हाय कृतिका पायल, सिमर मुस्कान एंड सरोज ने आपको बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे किया है, उनको सपोर्ट नहीं करते, प्लीज आप उनका आंसर करो, हम सपोर्ट नहीं करते तो बैठे बैठे कैसे खा रहे हैं, जैसे आपका बॉन्ड सपना जी के साथ है वैसे ही सुनीता जी की बेटी के साथ भी बनाओ, सिमर मुस्कान बहुत अच्छी है, प्लीज आप गोद भराई में इनवाइट जरूर करना, बस अगर कोई डिफरेंस है तो आपकी तरफ से खत्म कर दो उन्हें, आप पॉजिटिव कमेंट पढ़ते हो, नेगेटिव भी पढ़ो, उनका आंसर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसा है देखो, हमारे लिए हमारी पूरी फैमिली एक बराबर है, ठीक है, हम हर चीज में हर किसी को इनवाइट करते हैं, वेडिंग में भी हमने सरोज भाभी को भी इनवाइट किया था, पर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, गाड़ी भी भेजी थी हमने, ठीक है कि गाड़ी में बैठ के आ जाएंगी, पर उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वो आई नहीं, ठीक है। और रहा सुनीता दीदी का, सुनीता दीदी शादी में सुनीता दीदी को भी इनवाइट किया था पर सुनीता दीदी भी नहीं आई, सपना दीदी आई थी और मुस्कान भी आई थी, बाकी फैमिली के सारे मेंबर्स आए थे। तो सिमर मुस्कान का ऐसा है कि उस टाइम मुस्कान थी प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी में हमने उनको इनवाइट किया था, पर प्रेगनेंसी में भी तेरी शादी के टाइम पे उसकी गोद भराई का टाइम चल रहा था, तो दीदी कह रही थी कि मैं गोद भराई पे जाना इम्पोर्टेंट है, मुझे याद है अच्छे से, इसीलिए सुनीता दीदी नहीं आई थी क्योंकि मुस्कान की गोद भराई की रस्में थी, ठीक है। बाकी देखो हमारी अपनी फैमिली, फैमिली को कोई इनवाइट नहीं करता है कभी भी आने के लिए, फैमिली तो सबसे पहले आगे होनी चाहिए हर एक फंक्शन में, चाहे शादी हो चाहे गोद भराई हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि घर के सारे काम जो होता है वो फैमिली ही संभालती है। तो ये जो कमेंट है इसका मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया है, और बस यही है कि सुनीता दीदी और सपना और सरोज भाभी मुस्कान हमारे लिए सभी इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को सपोर्ट करते
में किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, और अपनी फैमिली को तो हर कोई सपोर्ट करता है, चाहे वो हम हो या कोई और हो, क्योंकि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता गाइस। तो नेक्स्ट कमेंट है सोनू गुप्ता का, अरमान भाई आपके सॉन्ग बर्थडे सॉन्ग बनाओ प्लीज आपकी वॉइस में, अब आप बहुत बर्थडे आ रहे हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। ठीक है जी, बर्थडे सॉन्ग, जी जी बर्थडे सॉन्ग बिल्कुल अरमान जी को बोलूंगी इस बात के लिए कि बर्थडे पे कोई सॉन्ग बनाए, क्योंकि बर्थडे देखो पूरे साल हर किसी ना किसी का आता ही रहता है और बर्थडे पे जो है गाने चलते ही रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे जिम भी लोग अक्सर करते हैं, तो इसलिए जिम पे इन्होंने गाना बनाया था, क्योंकि अभी तक जिम पे ना ऐसा कोई गाना नहीं था कि बंदा जिम करते वो गाना अपनी रील्स पे डाल सके, तो इसलिए अरमान जी ने गाना बनाया। तो नेक्स्ट है ट्रुथ प्रिवेले का, चीकू की पढ़ाई में ध्यान दिलवाओ, बच्चा बिगड़ रहा है, बाहर का खाना, ट्यूशन बंक करना, जिद करना, महंगे खिलौने लेना खाम खा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, महंगे खिलौने बिल्कुल भी नहीं लेता है वो, जब भी वो कभी मांगता है ना टॉय, वो भी जैसे हम वैसे ज्यादातर तो उसे मना ही कर देते हैं, जब भी कभी वो मांगता है तो 100-125 रुपए से ज्यादा हम उसे टॉयज नहीं दिलाते हैं, और ट्यूशन बंक बिल्कुल भी नहीं करता है वो, कभी कभार बच्चा जिद्दी हो जाता है वो। मैं बताती हूँ क्या होता है, जब ट्यूशन की छुट्टी होती है ना तो नितिन भैया ना उसके ब्लॉग के लिए प्रैंक करते हैं कि आज हम ट्यूशन जाएंगे, देखो मैं बंक कराऊंगा, और पर वो ट्यूशन की छुट्टी होती है, जैसे मैम के ना घर में काम चल रहा है तो मैम कभी कभी हफ्ते में एक बार एक आधी छुट्टी दे देती है, तो नितिन भैया जान के ऐसा करते हैं ताकि ना वो चीकू की खुशी देख सके और एक वीडियो में व्लॉग बना सके। तो गाइस वो कभी भी ट्यूशन बंक नहीं करता है। तो नेक्स्ट है आराधना टूटानी का, लखनीत नीतू की मैरिज में जा रहे हो आप सब? जी बिल्कुल, लखनीत और नीतू की मैरिज तो हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स है, वो इनविटेशन ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, बहुत करीब है हमारे, बहुत ही करीब है, मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि उनकी जो मैरिज है वो 26 की है और हमारी जो गोद भराई वो 21 की है, तो गेस्ट अगर घर पे ना रहे, गेस्ट अगर जल्दी चले गए तो हम शादी में जा सकते हैं। अरमान जी तो पक्का जाएंगे, अरमान जी तो कंफर्म जाएंगे, क्योंकि लखन भैया और अरमान जी की बहुत अच्छी दोस्ती है, बॉन्डिंग है, भाई की तरह दोनों रहते हैं, तो अरमान जी का तो कंफर्म है। बाकी नीतू ने तो हमें बोला है कि दीदी, क्योंकि हम पारस भैया के घर भी गए थे ना शादी में, तभी उसने बोल दिया था कि आप उसकी स्नेहा की शादी में आ रहे हो, तुम मेरे यहाँ भी नहीं आए ना फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, बाकी ट्राई हम पूरा पूरा करेंगे कि हम जाएं। तो नेक्स्ट कमेंट है दर महिरा का, आपने बोला था नया सोफा ऊपर रखोगे, प्लीज नया सोफा ऊपर लाओ, लव यू गोलू दी पायल दी लव फ्रॉम कश्मीर। देखो महिरा जी ऐसा है कि वो नया सोफा ऊपर लाने की सोच रहे थे हम, पर उसका जो स्पेस है ना हमारा मंदिर का दरवाजा बंद कर रहा है वो, तो इसीलिए हमने उसको ऊपर नहीं लाए, हम इसी में जो है एडजस्ट कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं गाइस, जब जोत बत्ती करते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम 80% हमारा दरवाजा खुला रहता है, तो हम इसको बंद करके नहीं रख सकती है, तो बस, और वो वैसे भी 7 सीटर है और हमारे यहाँ पे 5 सीटर की स्पेस है। तो नेक्स्ट है निकूस लाइफ स्टाइल का, पायल दी गोल तो जो आपके 7 मंथ कम्प्लीट हो जाए, थोड़ा काम कम करे ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो निकुश जी हम काम तो बिल्कुल भी करते नहीं है, सिर्फ हम व्लॉगिंग करते हैं और जो घर का थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना होता है वही सब हम करते हैं, बाकी साफ सफाई बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा वो सब शांति और रोली करते हैं, तो हम लोग नहीं करते हैं, तो इस चीज की टेंशन मत लो। तो नेक्स्ट है फर्जना खान 47 का, एंड माई फेवरेट सॉन्ग जिम वाओ, अरमान भाई आपके सॉन्ग सिंगिंग किया है सो स्वीट वॉइस। थैंक यू सो मच, आपको गाना बहुत पसंद आया, और देखो जितने भी लोग हमें देखते हैं ना मेरे हिसाब से हमें 10 लाख लोग एक दिन में देखते हैं, मेरे आपसे नॉर्मल एवरेज बता रही हूँ मैं, और अगर आप 10 लाख लोग हमारे गाने को जाके देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो मेहनत सफल, तो हमारी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी गाइस। तो जिसने अभी तक नहीं देखा जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाना देख लीजिए। तो नेक्स्ट कमेंट है मोहिनी सेन 5730 का, अरमान भाई आपकी मेहनत को सलाम, 32 आवर्स काम करते हैं आज इसलिए इस मुकाम पर हो सलाम है। ये तो है बिल्कुल, उस दिन का जो शूट था गाइस 32 आवर्स का था, जब हम शूट पे पहुंचे थे ना मैं और पायल, चीकू के पापा की आंखें ऐसे भरी भरी हो रही थी नींद के अंदर, क्योंकि पता चल जाता है इंसान को देखकर सामने से कि उसकी आंखों में कितनी नींद भरी है। हमने बोला आप सो ही नहीं, कह रहे गोलू नहीं मेरे सिंग की इतने सारे थे, बार बार मेरे को पूरा गाना सिंग करना पड़ा, मेरे को नींद नहीं आ रही काम के बीच में, मैं जब घर जाऊंगा ना तब सोऊंगा, तो कितना हेक्टिक था ना। और गाइस जब गाना हम लोग करते हैं ना, जो गाना दिखाए फोन में जो दिखाई देता है 3 मिनट का गाना, उसको करने के लिए सच में 32 आवर्स या 24 आवर्स या 48 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि एक एक शॉट के ना 5-5 एंगल से वीडियोस लिए जाते हैं, कैमरा एक होता है क्योंकि बड़े कैमरे होते हैं जो शूट करते हैं गाने को, तो कैमरा एक होता है, एंगल 5 होते हैं, तो आप ये सोचो एक टेक के 5 शॉट लेने हैं, उसमें टाइम तो लगता ही है। तो नेक्स्ट कमेंट है यूजर का, आप लोग भी पूरा अपना ध्यान रखिए, कल आप लोग बहुत काम करते हैं, थोड़ा कम काम करिए, लोड सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका जवाब मैं ये दूंगी कि थैंक यू सो मच, आप इतनी केयर करते हैं हमारी और हम आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हम काम जितना हो सके कम करें। तो आज का लास्ट कमेंट है एलेन पांट 8058 का, कृतिका दी आपने अपने नेक में 9 क्यों पहन रखा है, प्लीज रिप्लाई मी लव फ्रॉम एली।
कृतिका का नहीं है, वो नाइन है अरमान जी का, क्योंकि अरमान जी का 9 नंबर बहुत लकी है, इसलिए तो अरमान जी ने ना वो जब इधर उधर जाते हैं ना तो वो चेन हमें पहना देते हैं, तो गोलू ने पहना हुआ है, वो अभी भी पहना हुआ है, तो वो 9 नंबर अरमान जी के लिए बहुत लकी है। और जो 9 नंबर होता है ना गाइज, वो हार्ड वर्क का निशानी होती है, जो इंसान हार्ड वर्क करता है ना उसी का लकी नंबर 9 होता है। ये किसने, मुझे किसी ने बताया था, ये अपनी तरफ से बोल रहे गाइस, पर अरमान जी का 9 नहीं, इसका मतलब ये वो हार्ड वर्क करते हैं ना, उनका 9 लकी नंबर। तो सबका थोड़ी होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। अच्छा। के जो हार्ड वर्क करते हैं वो नंबर 9 होता है, ऐसा कुछ नहीं गाइस, हर किसी का लकी नंबर अलग होता है। जैसे मेरा है 22 मेरी बर्थ डेट है और वो मेरे लिए बहुत ही लकी नंबर है, ऐसे सबका लकी नंबर अलग होता है। तो बस आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिसने गाना नहीं देखा जल्दी जाके गाना देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।